आम आदमी पार्टी सोनीपत का परिवार जनता के साथ मिलकर के प्रतिनिधि जो गांव की सरकार चुनी गई थी सरपंच वो भी धरने में बैठे हुए उनके साथ मिलकर के लोगों के साथ मिलकर के इस रैली का विरोध आम आदमी पार्टी के द्वारा दर्ज किया जाएगा। काले झंडे दिखाए जाएंगे चाहे वो रैली के अंदर घुस करके दिखाए जाए या रोड पर ऊपर दिखाए जाए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है, आम जनता के जो हक है वो उनको दिलवा करके हम रहेंगे चाहे वो किसी भी हालत में किसी भी सूरत में हो। क्यों आ रहे हैं गोहाना, क्यों आ रहे हैं गोहाना? तो देखो वोट अब 2024 आ गया, अब इनको ये तो चुनावी मेंढक है ना, 4.5-5 साल तक ये जाते ही नहीं है कहीं पे, जनता के सामने जाते ही नहीं है, चाहे चुने जाए या बगैर चुने बैठे रहेंगे आराम से। उसके बाद अब वोट बुनाने के लिए लोगों को क्या लालच दिया जाए, क्या किया जाए, काम की हो तो आना नहीं पड़ता ना, वो तो जनता देख रही है कामों को। तो ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं, जाट को नॉन जाट से भिड़ा के, मराठा को नॉन मराठा से भिड़ा के, राजस्थान की बात लगा लो तो मीणा और अहीरों को आपस में भिड़वाते हैं, गुजर मीणा को आपस में भिड़वाते हैं, यूपी में लगा लो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। सांप्रदायिकता दंगे कितने हुए हैं, अभी आने का आप देख लेना, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे इसी प्रकार का एक चक्र लोगों के मानसिक दबाव डालने हुए कि लोग सोच रहे हैं एक लोगों को इसके अंदर उलझाकर सांप्रदायिक दंगों के अंदर, जाति पाति के अंदर, हिंदू मुसलमान के। अभी देख अमित शाह की रैली है यहाँ पे, लोगों का पेट काट दिया गया है, गरीब दर दर की ठोकरें खाने पे घूम रहा है बीजेपी के सरकार के अंदर। दंगे की बात कर रहे थे सर, दंगे आप पुलवामा अटैक है, एक छोटा सा कोई भी बम कहीं जब भी पता लग जाता है इनको, एक सुई भी एक मंदिर के सामने से भी अगर कानून व्यवस्था ठीक हो तो मंदिर के सामने से चप्पल चुरा ली जाती है उसका पता लग जाता है। तो आज तक 350 किलो RDX जब देश के अंदर आया, पुलवामा अटैक हुआ, आज तक किसी को पता लग पाया वो कैसे भारत देश के अंदर आया और कौन उसके अंदर स्लिप्ट थे? तो आपका मानना है सोची समझी साजिश थी? सोची समझी साजिश थी, उसको क्यों भुना गया, क्यों बार बार पुलवामा कि आपको जात वोट मांगने के लिए कोई और रास्ता नहीं था क्या? हमारे सैनिक जो एक हमारी जान की रक्षा सरहदों के ऊपर -31 डिग्री तापमान के अंदर भी खड़े होकर के वहाँ पे जब पानी जम जाता सारी खून जमना वहाँ पे रक्षा करते, तो उन सैनिकों की उसको भुना करके आप वोटों की राजनीति करोगे क्या?